स्पाई यूनिवर्स का नाम आया है ना, यशराज ने ये सीरीज स्टार्ट की है, तो इसके आगे सब पानी कम एंड चाय है, समझ रहे हो। जब से इस फिल्म को स्पाई यूनिवर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, अब एक के बाद एक फिल्में आपको देखने को मिल रही हैं, और जितनी भी फिल्में आ रही हैं वो ब्लॉकबस्टर हो रही हैं। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, अब टाइगर 3। तो टाइगर 3 से भी एक्सपेक्टेशन इतनी है कि ये पठान के भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। जैसे जैसे फिल्में आ रही हैं वो एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही हैं। अब आएगी टाइगर 3, टाइगर 3 सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी। उसका रीजन भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि सलमान खान वापस टाइगर के लुक में है, साथ में कैटरीना है, और साथ में फर्स्ट चांस देखने को मिलेंगे इमरान हाशमी, और साथ साथ जो होगा सलमान एंड शाहरुख का एक जबरदस्त कैमियो, वो भी छोटा मोटा नहीं होगा, जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा शाहरुख खान के साथ सलमान खान का, जैसा पठान में आपको देखने को मिला था उससे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि तीन जगह शाहरुख सलमान खान एक साथ एक्शन करते हुए नजर आएंगे। पहला तो होगा जेल में, दूसरा होगा ब्रिज पर, तीसरा होगा बाइक चेस। तो तीन तीन जगह शाहरुख सलमान खान आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, धमाका जबरदस्त होने। और ये भी सुनने में आ रहा है इस फिल्म में ऋतिक रोशन की भी कैमियो होने वाला है कमाल का, क्योंकि जैसा पता है कि ये फिल्म जहां खत्म होगी वहां वॉर 2 स्टार्ट होगी, और वॉर 2 की जो शूटिंग जो है वो नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो टाइगर 3 के बाद जो नंबर है वो है वॉर 2 का, और वॉर 2 में पहली बार ऋतिक रोशन और साथ साथ में जो होंगी कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर, कमाल का सामना होगा ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर साउथ बॉलीवुड फिर से एक साथ, ये मजा आ जाएगी देखकर। ये भी फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, और ऋतिक रोशन कबीर वाला लुक तो लोगों को याद ही होगा, हैंडसम हैंक मैन, जब ऋतिक चलते हैं तो लगता है यार कमाल का एक्टर। वॉर 2 की जो शूटिंग है वो नवंबर में स्टार्ट होने वाली है। जैसे पता है इस फिल्म को जो डायरेक्ट करेंगे वो अयान मुखर्जी करेंगे। अच्छा, यशराज में एक स्पेशलिटी क्या है, आदित्य चोपड़ा का दिमाग क्या चलता है, जो फर्स्ट सीरीज कोई जो डायरेक्ट करता है सेकंड नहीं करता, फिर सेकंड जो करता है वो थर्ड नहीं करता, ऐसा होता आया। जैसे फर्स्ट एक था टाइगर कबीर खान ने की थी, दूसरी जो है अली अब्बास जफर ने की थी, तो है वॉर फिल्म जो है सिद्धार्थ आनंद ने की थी, और वॉर 2 जो अयान मुखर्जी करेंगे। अब पठान जो है सिद्धार्थ आनंद ने की है, लेकिन पठान 2 सिद्धार्थ आनंद नहीं करेंगे, लेकिन टाइगर वर्सेस पठान ये सिद्धार्थ आनंद करेंगे। तो हर चीज को चेंज कर देते हैं, आदित्य चोपड़ा का ये क्लेवर माइंड है, जबरदस्त माइंड है कि आपको दिखाना है इस डायरेक्टर ने इतनी बेहतरीन दी है, अब आपको इस फिल्म को करने का चांस मिला है तो आप इससे बेहतर करके दिखाओ। तो यही होने वाला है, वॉर 2 को जो डायरेक्ट करेंगे अयान मुखर्जी करेंगे, उनकी एंट्री हुई है यशराज में, और ये कमाल की फिल्म होगी, और बहुत जबरदस्त लोकेशन पे शूट किया जाएगा, एक्शन की भरमार होगी, जबरदस्त एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, हॉलीवुड सब फेल हो जाएगा। वॉर होगी जो नवंबर में इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। अब बात आते हैं जनवरी के लास्ट एंड फरवरी के मंथ में स्टार्ट होने वाली सबसे बड़ी फिल्म, भारत इतिहास की, इंडिया सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म, जिसका नाम है टाइगर वर्सेस पठान। सलमान शाहरुख पूरी फिल्म डायरेक्ट करने वाले सिद्धार्थ आनंद, और इस फिल्म के अंदर साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे कैटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोण, जी हाँ उनकी लकी चार्म इस फिल्म के अंदर होंगी। तो सोचो ये फिल्म क्या रिकॉर्ड बना सकती है, मतलब सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, मतलब जो रिकॉर्ड जिसको बनाना है बना लो, लेकिन जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी वो सारे रिकॉर्ड सब टूटेंगे। ऐसे रिकॉर्ड ये फिल्म शायद बनाए, उसको तोड़ने में लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सलमान शाहरुख पूरी फिल्म में कंटिन्यू होंगे, और ऊपर से जबरदस्त एक्ट्रेस कैटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोण, जिन्होंने एक्शन करके लोगों को बताया खतरनाक एक्शन। टाइगर वर्सेस पठान जो है 2025 में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हो इस फिल्मों को लेकर, और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, ओके टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।